स्पॉन्सर्ड बाय ओजांक आईएएस एकेडमी, देश की नंबर वन आईएएस एकेडमी। मैं इसलिए भैया रोती हूँ कि मनीष पर झूठे इल्जाम लगाए गए। मैं कहती हूँ वो भी आपने लगाए, कुछ भी किया, पर उसके माँ बाप का क्या कसूर? और नीतीश जी की जब सच्चाई दिखा रही है तो प्यार की सरकार को दर्द हो रहा है। पागल है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, पागल है वो, यार संभर नहीं रहा है, अब सोच उसका ऊपर का जा रहा है। आप देख लीजिए कि तमाम अभी बिहार के राजनीतिक पार्टी में जो अभी सत्ता में सत्ताधीश लोग बैठे हैं उनमें कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो कि बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, कई मर्डर केस, कई रेपिस्ट लोग बैठे हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा। देश पर जब जब विपता आएगी तो मनीष जैसे, हमारे योगी महाराज जी जैसे भगत सिंह पैदा होते रहेंगे। मनीष भैया की तो मेरे नजर में, और लोग के तो मैं नहीं बोल सकती, बट मेरे नजर में मनीष भैया कोई गलत काम नहीं किए हैं। मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई या नहीं बताएंगे आपको। आपको ये भी बताएंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्यों भड़की आस्था मां बिहार सरकार पर, मनीष के लिए क्या कुछ कहा खास, बताऊंगी आपको पूरी कहानी। मनीष कश्यप के फैन ने बताया बिहार में काबा काजल अनोखा ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर आप हो जाएंगे दंग। वीडियो के अंत तक बने रहे, आप बताएंगे आपको पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडिया टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, क्योंकि आप सब हैं हमारा परिवार और आपसे हमारे हौसले को मिलती है उड़ान, तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मनीष कश्यप के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा था, सभी की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी थी। जैसे ही सुबह हुई एक अजीब से दिल में चुभन और डर सा महसूस हुआ मनीष कश्यप के फैंस को। वक्त बीत रहा था, घड़ी की रफ्तार हर रोज की तरह थोड़ी धीमी लग रही थी, ऐसा लग रहा था वक्त ठहर सा गया हो, लेकिन रुकना कौन चाहता है, सभी बीतते वक्त के साथ सुनवाई सही वक्त पर शुरू हो जाए इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंतजार लंबा हो गया, कपिल सिब्बल साहब कोर्ट देरी से आए, फिर क्या था, सुबह होने वाली सुनवाई इतनी देर हुई कि कोई नतीजा नहीं निकला, फिर घूम फिर कर वही बात आ गई, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वैसे कपिल सिब्बल साहब, कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेटजी बड़ी फिल्मी थी, वैसे जब आप चौतरफा घिर जाओ तो कोर्ट में देर जाओ, वैसे कब तक करेंगे आप ये सब। मनीष के फैंस आपसे बहुत गुस्सा है, वही इस मामले में मनीष के वकील ने क्या कुछ कहा, चलिए आप दिखाती हूँ। मैटर बस इतना ही है कि सुबह मैटर आया, वो रीच किया, पास ओवर हो गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु की साइड से कपिल सिब्बल जी नहीं थे। उसके बाद मैटर उन्होंने कहा वो एंड ऑफ द बोर्ड लेंगे, एंड ऑफ द बोर्ड उन्होंने अभी जब हमने लंच टाइम पे मेंशन करा तो उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाई फाइल करने के लिए एनएसए का टाइम चाहिए। बस मेरा मानना ये है कि 8 मई को फैसला हो जाएगा। कपिल सिब्बल जैसे लोग जो है इन्हें तो विपक्ष का मुद्दा मिलना चाहिए, और ऐसे कभी राम मंदिर के ऊपर जो है उस पर खड़े हो जाते थे कि राम तो एक काल्पनिक हैं, और कभी ये ऐसे एडवोकेट हैं, देश की जनता सब समझती है। और मनीष कश्यप से आज जो है बिहार सरकार हिली हुई है, उन्हें लगता है कि एक पत्रकार जो है बिहार की जो सरकार है वहाँ की उसके बारे में बताती है कि आपकी जो जो गलत हुआ है, यानी कि जो विकास नहीं हो रहा है उसके ऊपर अगर दिखाते हैं तो बिहार की सरकार को पेट में दर्द हो रहा है। मनीष कश्यप और उनके फैंस को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, और कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आज कुछ नतीजा नहीं निकला। एक बार फिर से मनीष कश्यप के फैंस के हिस्से में 8 मई का लंबा इंतजार आया है। एक लंबा इंतजार पिछले एक महीने से चल रहा है और ये इंतजार बदस्तूर जारी है, लेकिन तारीफ करनी होगी मनीष कश्यप के समर्थकों और फैंस की, वो हिम्मत नहीं हारे हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, मनीष का साथ दे रहे हैं। मनीष ने जिन लोगों की मदद की उसके बदले फैंस ने भी उन्हें बेशुमार प्यार दिया, और यही वक्त था जब मनीष के फैंस एकजुट हुए पिलर की तरह। अब देखिए ना, मनीष की फैमिली को भी मनीष के फैंस से संबल मिला है। पहली बार किसी सोशल मीडिया के पत्रकार को इस प्रकार से पकड़ करके और जेल में डाला गया है, पहली बार
पहली बार पूरे भारत के इतिहास में तमाम पत्रकारों पर एनएसए लगा है, तमाम पत्रकारों को जेल में पकड़ा गया है, लेकिन 10 दिन 15 दिन में वो लोग छूट जाते हैं। लेकिन पहली बार किसी पत्रकार को, वो भी बिहार के पत्रकार, वो भी सोशल मीडिया के पत्रकार, जो जनता को जगाने के काम करते थे, जो जनता के मुद्दाओं को सरकार के सामने रखते थे, जो बिहार की गरीबी को दिखाते थे, बिहार के गरीबों का मदद करते थे, वैसा पत्रकार जो जाकर गरीबों का मदद करते थे, बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था रोजगार पर सवाल करते खड़ा करते थे, और वैसे पत्रकार को महोदय पकड़ करके हथकड़ी हाथों में पहना कर ले जाकर जेल में डाल दीजिए, और फिर उसके बाद अपने सहयोगी सरकार तमिलनाडु से उनके ऊपर एनएसए लगवा दीजिए, ये बताइए ये कहां तक उचित है। मनीष कश्यप के फैंस को मनीष से काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि मनीष जिस तरह से सच के लिए लड़ता है, अगर इंसान जनप्रतिनिधि बन जाए तो बिहार से जंगल राज खत्म हो जाए। लोगों का कहना है कि बिहार में लोग परेशान हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मनीष कश्यप के फैंस चाहते हैं कि मनीष कश्यप भी चुनाव लड़े और उनकी समस्या को सुलझाएं। समझती हूँ उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही हैं, सबकी बढ़ रही हैं, उनकी, उनके समर्थकों की, उनके रिश्तेदारों की, सबकी बढ़ रही है। बस थोड़ा सा समय और, 8 मई ज्यादा दूर नहीं है, तो होपफुली हो जाएगा। उस दिन एनएसए पे और क्लबिंग पे दोनों पे चर्चा होगी, जो पूरी पिटीशन है उस पे चर्चा होगी। जब कोर्ट में वो अपना रिप्लाई लेकर आएंगे, उसमें उन्होंने क्या मेंशन करा है, उसी से पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं एनएसए पर। हर एक सच्चाई को दिखाते थे मनीष कश्यप, हर जगह के दिखाते थे, कमी बेसी, पुल टूटा हुआ है, रोड नहीं बना हुआ है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जो हकीकत था वो दिखलाते थे। बिल्कुल छूटना चाहिए, वो ऐसा देशद्रोह का काम तो किए नहीं है। मनीष कश्यप के मुद्दे पर मनीष के फैन ने बताया, बिहार में काबा, देखिए आप खुद ही। बिहार में काबा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप जैसा आदमी गिरफ्तार बा बिहार में बाहर बा। भाई लोग प्रणाम, लोग कहते कि बिहार में काबा, अरे भैया बिहार में का नहीं है, देखे के अलग अलग नजरिया बा। तो बिहार में का बा, बिहार में बाहर बा, बीए को के बेटा चलावत कुदार बा, बिहार में बाहर बा। मनीष कश्यप बिहार के बेटा, न राजनीतिक षड्यंत्र के भइल शिकार बा, बिहार में बाहर बा। फिरंगियन के सरकार बा, बिहार में बाहर बा। सड़क पर सोच, आधा सड़क पर दुआर बा, बिहार में बाहर बा। नहर में पानी नहीं है, पुलिया भइल जार जार बा, बिहार में बाहर बा। शिक्षा व्यवस्था ठप बढ़न, लड़का लोग के खिचड़ी पर नजर बार बार बा, बिहार में बाहर बा। भैया बिहार में बाहर बा, अस्पताल में दवाई नहीं है, डॉक्टर लोग फरार बा, बिहार में बाहर बा। नल जल कागज में चले, सर जमी पर पड़ल बेकार बा, बिहार में बाहर बा। भैया बिहार में बाहर बा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक मार दिया सरकार, धन्यवाद। वहीं आस्था माँ मनीष कश्यप के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। आस्था माँ ने कहा, मैं तो मनीष कश्यप को भगत सिंह मानती हूँ, क्योंकि वह जिस तरह से काम करता है उसकी सराहना होनी ही चाहिए। आस्था माँ ने आगे कहा कि जिन लोगों ने मनीष को परेशान किया है उनको भुगतना पड़ेगा। आस्था माँ ने कहा कि मनीष का कोई कसूर नहीं है, हाँ उसका कसूर बस इतना है कि वो सत्यवादी है, उसने सच दिखाया, उसका कसूर ये है कि वो चाहता है कि बिहार आगे बढ़े। आस्था माँ शोएब जमे की गाड़ी पलटने वाले बयान पर भी जमकर भड़क गई। शर्म की बात है, ये मौलाना साहब बोल रहे हैं, बहुत शर्म की बात है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से पता लगता है आपकी मानसिकता, आपकी मानसिकता का सर यहाँ से पता लगता है कि आप सिर्फ सिर्फ उग्रवाद पैदा करना चाहते हैं, आप क्रिमिनल पैदा करना चाहते हैं, आप एक सच्चे भगत को क्रिमिनल के साथ मिला रहे हैं। बहुत शर्म की बात है आपके लिए, डूब के मर जाने वाली बात है, इतनी घटिया बात बोल दी आपने। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कसूर ये है कि वो सत्यवादी है, उसका कसूर ये था कि उसने सच दिखाया, उसका ये कसूर था कि वो बिहार के बच्चों को, जो लोग उसको बोलते थे कि बिहारी आ गया, ये बिहारी है, इसको गुटखा खाता है, ये करता है, तो वो चाहता था एक बिहार मेरा, बिहार का बच्चा मेरा पढ़ा लिखा बन जाए, बिहार को सुधारने की कोशिश की थी, ये कसूर है उसका। ये भगत सिंह है हमारा, जिसने बिल्कुल सत्य का साथ दिया और सच दिखाना चाहा, अपने बिहार को हमारे उत्तर प्रदेश की तरह एक उत्तम बिहार बनाना चाहा, तो उस आज वो जेल के पीछे सच का साथ देते हुए सजा भोग रहा है वो बच्चा। वही आस्था माँ ने मनीष कश्यप की माँ की जमकर तारीफ की। मनीष कश्यप पर हुई कार्रवाई पर भी बिहार सरकार की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान आस्था माँ मनीष को लेकर भावुक भी हो गई। धन्य उसकी माँ, हाथ जोड़ती उसकी माँ को मैं, कि भाई आपकी कोख में से मनीष जैसा बच्चा पैदा हुआ, और ऐसे धरती पर अवतार बहुत कम आते हैं, जो मनीष आया। मेरा मन मनीष को लेकर बहुत खराब होता है, इसलिए भैया रोती हूँ कि मनीष पर झूठे इल्जाम लगाए गए। मैं कहती हूँ वो भी आपने लगाए, कुछ भी किया,
पर उसके माँ बाप का क्या कसूर था, उसके भाई का क्या कसूर था, उसके रिश्तेदारों का क्या कसूर था, उसके समर्थन करने वालों का क्या कसूर था, जिनको तुम लोगों ने जेल में कर दिया और तुम लोगों ने धमकियां दी, वहां की पुलिस ने धमकियां दी। मैं पुलिस का भी कसूर नहीं मानती हूं, मैं पुलिस का कसूर इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि पुलिस को जो ऊपर से आदेश होगा पुलिस तो वही करेगी, उनके भी हाथ कहीं ना कहीं उनके हाथ बंधे होते हैं। बिहारी सिंगर काजल अनोखा मनीष कश्यप के समर्थन में गाना गाकर सुर्खियों में आ गई हैं। अब एक बार फिर उन्होंने मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार के डिप्यूटी सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनीष कश्यप यादव नहीं है, इसलिए ये तकलीफ मनीष कश्यप को हुई। इस दौरान काजल ने मनीष कश्यप के समर्थन में गाना भी गाया। सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है, दूसरा कास्ट दूसरे कास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। मुझे मुझे जहाँ तक लगता है, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मुझे दिखता है, तो बात सही है। बिहार के लाल मनीष भैया हो, चार दिन में गारा उड़ाई ले। बिहार के लाल मनीष भैया हो, चार दिन में गारा उड़ाई ले। चलिए आपको ले चलती हूँ मनीष के गांव। ये तस्वीर मनीष के गांव की है, जहां पर मनीष की रिहाई के लिए कुछ दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई थी। ये भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि मनीष कश्यप के शुभचिंतक कितने हैं। उम्मीद है 8 मई को मनीष कश्यप घर वापसी करेंगे, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सच की राह कांटों भरी होती है, पर अंजाम बहुत सुखद होता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।